ये मैं आपको जो करवाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्कशॉप, ये प्रोफेशन की एक वर्कशॉप की थी मिस्टर के आचारी ने, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, बहुत ही सीनियर हैं, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स हैं आईकास के। आईकास के कुछ जो फाउंडर मेंबर हैं उनमें से श्री के आचारी जी हैं, इनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड जो भी हमारे आईकास से जुड़े लोग हैं वो इनका नाम बहुत ही श्रद्धा से और रिस्पेक्ट से लेते हैं। 19 अगस्त 2018 को हमारे चंडीगढ़ चैप्टर में ये पधारे थे और उन्होंने जो पीपीटी से वहाँ पे लेक्चर दिया था, प्रोफेशन की इंट्रोडक्शन में उसी लेक्चर से शुरू करूँगा और आपके काफ़ी काम आएगी, क्योंकि ऐसे इंसान को, ऐसे इंसान के किए हुए काम को सुनना एक भाग्य की बात होती है। आपको इस टॉपिक पे, उनके दिखाए मार्ग पे पढ़ाने पे मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्कशॉप क्या है? टू एक्सप्लेन द मेथडोलॉजी फॉर मेकिंग इंटरप्रिटेशन ऑन प्रोफेशन यूजिंग D10 एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉर्ड ऑफ दशमाशा D10। थोड़ा सा एडवांस है लेकिन आपकी क्लास के साथ चलते चलते मुझे, मैंने देखा है कि आप इसको पकड़ पाओगे, तब आपके साथ मैं इसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। पहली बार मैंने ये प्रवीण 2 में ये रिस्क लेने जा रहा हूँ आपको पढ़ाने का। मुझे विश्वास है आप कर लोगे, आप पे भरोसा है, आपकी क्लास काफ़ी इंटेलिजेंट है, इसलिए मैंने कहा कि आपको क्यों ना प्रोफेशन बहुत एडवांस में पढ़ाया जाए, कुछ तरीके से पढ़ाया जाए जिसको आप समझ सकें। कुछ नहीं समझ आएगा तो ध्यान उस तरफ मत देना, क्योंकि आपकी क्लास छोटी है, जो समझ आए उसको ले लेना, टेंशन दिमाग पे नहीं रखनी। इसके बाद मैं सिंपल पढ़ाना है आपको, ऐसा नहीं कि सिंपल छोड़ दूंगा, सिंपल पढ़ाऊंगा आपके लेवल का। इसको पढ़ने के साथ आप कोशिश करना कि इसके साथ चल सकें। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्कशॉप क्या है? टू एक्सप्लेन द मेथडोलॉजी फॉर मेकिंग इंटरप्रिटेशन ऑन प्रोफेशन यूजिंग D10 जो दशमांश चार्ट होता है, एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉर्ड ऑफ दशमांश D10 का जो स्वामी होता है, लग्न का स्वामी होता है, उसका एप्लीकेशन क्या रहता है। तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर करने पड़ते हैं। पहला है भावा एंड हाउस कंसर्न। दसवां घर प्रोफेशन का होता है, उस भाव को हमने देना है, और छठा घर प्रोफेशन के साथ रिलेटेड है, उसको भी लेना है हमने। सेकंड है लॉर्ड ऑफ भावा, दसवें घर का स्वामी कौन है, उस भाव जिसको हम देख रहे हैं, प्रोफेशन दसवें घर से देखते हैं, दसवें घर का भाव स्वामी भी हम देखेंगे कौन है। तारका ऑफ द भावा, उस भाव का कारक क्या है, जैसे दसवां घर प्रोफेशन का कारक है, प्रोफेशन में मिलने वाले मान सम्मान का कारक है, प्रोफेशन के दायरे का, साइज ऑफ द प्रोफेशन क्या होगा, लेवल ऑफ द प्रोफेशन क्या होगा, उसका कारक है। और चौथा है PAC ऑफ भावा, भावेश एंड कारका। तो PAC का मतलब होता है प्लेसमेंट एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, P फॉर प्लेसमेंट, A फॉर एस्पेक्ट एंड C फॉर कंजंक्शन। उस भाव में कौन बैठा है, कौन उस भाव को देख रहा है, कौन भाव उसके, कौन सा प्लैनेट उसके भाव के स्वामी के साथ बैठा है, कौन का, कौन सा प्लैनेट जो काम आप करना चाहते हैं उसके कारका के साथ बैठा है। ये चीज़ हमने, 4 जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले हमने देखनी है। उसके बाद सेकंड लेवल कंसिडरेशन का क्या है, वो है डिफरेंट योगा फॉर्मेशन इन 10th हाउस ऑफ D1 एंड D9 एंड D10। वर्गा चार्ट में सबसे पहले लग्न चार्ट, उसके बाद नवांश का चार्ट
और उसके बाद D10 दशमांश का जो चार्ट है उसका देखेंगे कि दसवें घर का कोई ऐसा योग बन रहा है, दसवें घर के साथ कोई प्लैनेट मिलके ऐसा कोई योग बना रहा है क्या, वो योग को हम डिस्कस करेंगे। वो अच्छा योग है, बुरा योग है, कैसा है, क्या व्यक्ति को बहुत ऊपर ले जाने वाला योग बना रहा है, क्या व्यक्ति को मीडियम रखने वाला योग बना रहा है, या व्यक्ति को दृढ़ रखने वाले योग बना रहा है, ये भी हम देखते हैं। नेक्स्ट है इसी में सेकंड लेवल ऑफ कंसिडरेशन में नवांश चार्ट। नवांश चार्ट को एज ए होल देखेंगे, क्योंकि जो नवांश चार्ट है आपके D1 चार्ट का ही एक सुधरा हुआ रूप होता है। जो D1 और नवांश का आपस में जो कम्बिनेशन है आप अच्छी तरह से समझते हैं, उसमें मैं समय नहीं लगाऊंगा, और इससे प्योरिटी ऑफ योर हॉरोस्कोप का पता चलता है। दशमांश चार्ट D10 इसको एज ए होल देखेंगे, क्योंकि प्रोफेशन से सीधे सीधे से इसका नाता है, सीधा रिश्ता है। दशमांश चार्ट जैसे ही D10 बोलते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि वी आर टू सी इट फॉर प्रोफेशन। समटाइम D12 आल्सो, किसी समय हम D12 भी इसके बारे में देखते हैं जब प्रोफेशन में ज़रूरत पड़ती है। थर्ड लेवल, पहला लेवल हो गया, चार चीज़ें देखी, चार चीज़ें हमने सेकंड लेवल पे देख ली, अब तीसरे लेवल पे क्या देखेंगे। चेक मेंटेलिटी इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एबिलिटी ऑफ द नेटिव बाय एग्जामिनिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ सन मून लग्न मरकरी जुपिटर सिग्निफिकेटर्स ऑफ 10th हाउस। दसवें घर का संबंध सीधे सीधे सूर्य से, चंद्रमा से, लगन से, बुध और बृहस्पति से है। कैसे है मैं आगे आपको समझाता हूँ। इस्टेब्लिश द स्टेटस ऑफ एबिलिटी ऑफ द प्लैनेट, जैसे मैंने पिछली बार बताया, पिछले अभी बता के हट रहा हूँ, सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति और लग्न का स्वामी सीधे सीधे आपकी एबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं कि आप कितना एबल हैं, कितनी कैपेसिटी है आप में काम करने की, कौन सा काम करने की कैपेसिटी है। लग्न डिफाइंस द फिजिकल स्ट्रक्चर, जो लग्न होता है वो आपके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। सन रिफ्लेक्ट स्टेटस ऑफ द फिजिकल एबिलिटी, सूर्य आपकी एबिलिटी को कितने चांद लगने वाले हैं, कैसे चमकोगे आप, उसका एक प्रतिबिंब आपके सामने खड़ा करता है। मून रिफ्लेक्ट्स मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, चंद्रमा जैसा होगा आप वैसे ही इंटेलिजेंट होंगे, चंद्रमा जैसा ही होगा आप उतने ही सुदृढ़ पॉजिटिव माइंड के होंगे, चंद्रमा नेगेटिव होगा तो आप नेगेटिव माइंड के होंगे, चंद्रमा कमज़ोर होगा तो आप कमज़ोर ख्यालों के होंगे, चंद्रमा बढ़िया होगा तो आपके हौसले बुलंद होंगे। चंद्रमा आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में बताता है, आपकी इंटेलिजेंसिया के बारे में भी बताता है। मरकरी आपको भेदभाव का, आप में कितनी क्षमता है भेद करने की वो बताता है। मरकरी शोज द पावर ऑफ डिस्क्रीशन, देखिए आपके सामने फैसला लेना होता है आपने तो आपको कैसे एनालाइज करने हैं, मरकरी एनालाइज करने की स्ट्रेंथ देता है आपको, आपको देखने परखने की स्ट्रेंथ देता है, आपको बुद्धि देता है कि आप देख सकते हैं कि ये ठीक है ये गलत है। तो ये बुध के अंदर होता है, बुध कैलकुलेशन देता है आपको, कैलकुलेशन का स्वामी है बुध। बुध आपको ओवरऑल इंटेलिजेंस कैलकुलेशन की क्षमता देता है, नापने की क्षमता देता है, तोलने की क्षमता देता है, और ओवरऑल कम्युनिकेशन पावर भी बुध के पास होती है। बृहस्पति प्रोवाइड्स द स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल प्रोग्रेस, बृहस्पति आपको आपकी पैसे की ताकत, पैसे का स्टेटस कैसा रहेगा आपकी कुंडली में, जैसा बृहस्पति होगा वैसा ही आपकी कुंडली में पैसे का स्टेटस रहेगा। बृहस्पति कौन से प्लैनेट्स को देख रहा है, पैसा किस के थ्रू आएगा, ये सब बृहस्पति ही बताता है। और उसके बाद जनरल प्रोफेशन बाई प्लैनेट्स, प्रोफेशन हर कोई प्लैनेट के पास है लेकिन हर कोई प्लैनेट कैसे कैसे प्रोफेशन देता है ये आपको थोड़ा समझना है।
मर्करी एंड जुपिटर फॉर इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन एंड मर्करी फॉर ट्रेड एंड बिजनेस। यदि बुध और बृहस्पति इकट्ठे कर दिए जाएँ तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका प्रोफेशन, इंटेलेक्चुअल्स जो दिमाग के काम करने वाला प्रोफेशन, जो कैलकुलेशन का प्रोफेशन, जो बहुत तीव्र बुद्धि वाले लोग हैं उन प्रोफेशन का जो मर्करी और बृहस्पति है। बृहस्पति अकेला डिवाइन ग्रेस का प्रोफेशन है, फाइनेंस का प्रोफेशन है, और बुध अकेला पढ़ाई का, बोलने का, कम्युनिकेशन का है। लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन देते हैं। यदि अकेला बुध है तो वो ट्रेड और बिजनेस का प्रोफेशन देता है, बिजनेस कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, भाव कैसे बनाते हैं, नाप तोल कैसे करते हैं, बार्गेनिंग कैसे करते हैं, और आपकी ट्रेडिंग एबिलिटी क्या है उसके बारे में आपको बताता है। वीनस शोज एस्थेटिक प्रोफेशन लाइक फैशन एक्स्ट्रा। जो शुक्र है वो उसके पास कोई भी वो प्रोफेशन जो फेयर सेक्स के लिए होता है, फेयर सेक्स मींस लड़कियों के लिए होता है, वो आप प्रोफेशन कोई भी चुन सकते हैं। जेम्स जूलीस के अलावा चुन सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रोफेशन, होटल इंडस्ट्री में आ सकते हैं आप, गारमेंट्स के अंदर आ सकते हैं। जेम्स जूलरी के साथ साथ आप और क्रिएटिव आइडियाज जहाँ से आते हैं वो उसके अंदर भी आप आ सकते हैं। एस्थेटिकली वह आपको रिच करता है। शुक्र, सूर्य मून एंड मार्स फॉर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन। सूर्य चंद्रमा और मंगल जब इकट्ठे होते हैं तो आपको इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, पैसे के लेन देन, बैंकिंग वगैरह के सेक्टर में ले जाते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में ले जाते हैं। सैटर्न लीड्स टू हार्ड वर्किंग जॉब्स, फैक्ट्री। जैसे सैटर्न जो है वो जितनी हार्ड वर्किंग जॉब है सैटर्न के नीचे आती हैं, लो सेट जॉब भी सैटर्न के नीचे आती हैं। जैसे कोई आदमी कोई लो सेट जॉब कर रहा है वो भी सैटर्न के नीचे आएगी, राहु और केतु के नीचे भी आएगी। रूटीन सी जॉब कर रहा है और कोई फैक्ट्री में हार्ड लेबर कर रहा है वो भी सैटर्न के नीचे आएगी। आयरन भी जो है सैटर्न का ही है। राहु एंड केतु फॉर रूटीन जॉब्स एंड लो टू द स्टेटस। राहु जब आता है, राहु तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ले जाता है, सैटर्न भी आपको इलेक्ट्रिकल में ले जाता है। राहु आपको इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बना देता है, टेलीकम्युनिकेशन में ले जाता है और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बना देता है, आपको मल्टीमीडिया में ले जाता है जब शुक्र के साथ इसका साथ होता है। तो ये सारे प्रोफेशन जो है वो आपको बताते हैं, सबसे लो से लेकर टॉप तक की पोजीशन आपको राहु और केतु दिलवा जाते हैं। और इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट कम्बिनेशंस हैं, कुछ कम्बिनेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके काम के हैं, वो क्या हैं। इफ़ 10th हाउस इज ऑक्यूपाइड बाई ए प्लैनेट, कंसिडर द स्ट्रेंथ अमंग द लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस। दूसरा, इट्स ऑक्यूपेंट, सी द लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्यूपाइड बाई 10th हाउस। जब कभी 10वें घर में कोई प्लैनेट बैठा हो तो आपको देखना चाहिए कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, किन में से 10वें घर के स्वामी में और वो प्लैनेट जो वहाँ पे बैठा है, और लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्यूपाइड 10th लॉर्ड। जब नवांश का जो 10वां घर में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी कौन है, ये आपको देखना चाहिए, वही कारक होता है प्रोफेशन का। इफ 10th हाउस कंटेन्स मोर देन वन प्लैनेट, यदि 10वें घर से एक से ज़्यादा प्लैनेट बैठे हो तो इनमें से मोस्ट पावरफुल प्लैनेट बिकम द रूलर ऑफ द प्रोफेशन। जब एक से ज़्यादा प्लैनेट बैठे हों तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है वो कारका, विद द ब्लेंडिंग ऑफ दैट प्लैनेट जो साथ में बैठा है वो उसका कारका बनता है। और इसके बाद एंड इफ देर इज ए कंजक्शन, यदि देन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द नवांशा लॉर्ड ऑफ दीज टू कंजक्शन कंजक्ट प्लैनेट्स विल गिव इंडिकेशंस। यदि आपस में दो या दो से ज़्यादा बैठे हैं, नवांश में बैठे हैं, तो नवांश का जो प्लैनेट है, नवांश का स्वामी है, उसको भी साथ में लेना चाहिए। इफ नो प्लैनेट इन 10th हाउस, यदि 10वें घर में कोई भी प्लैनेट अब नहीं बैठा है तो क्या होता है, तो 10वें घर का जो स्वामी है वही आपके प्लैनेट का कारका बनता है।
और उसके बाद टेंथ लॉर्ड ऑफ नवांशा एंड दशवांशा एज प्राइमरी डिटर्मिनेंट, जो दसवें घर का स्वामी नवांश में, दसवें घर का स्वामी धीवन में, दसवें घर का स्वामी दशमाशा में होता है, वो ही डिटर्मिनेंट करते हैं कि आपका कौन सा प्रोफेशन होना चाहिए। प्लैनेट्स एसोसिएटेड विद लॉर्ड ऑफ नवांशा एंड दशमांशा एज सेकेंडरी इंडिकेटर, जो प्लैनेट उसके साथ होते हैं उसकी ब्लेंडिंग के साथ प्रोफेशन बनता है, वो उनको भी साथ में कंसिडर करना पड़ता है। द माइंड बॉडी एंड सोल शुड एक्ट टुगेदर इन जजिंग द कोर्स ऑफ वंस कैरियर, वही कैरियर अच्छा होता है जिसमें आपका मन भी लगे, बॉडी भी आपका काम करे, सोल भी आपकी काम करे। सोल इज रिप्रेजेंटेड बाई सन, मून इज रिप्रेजेंटेड रूम, मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ माइंड एंड लग्ना इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द बॉडी। जो आपका चंद्रमा, जो आपका सूर्य, जो आपका लगन प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, वही प्रोफेशन आपको करना चाहिए। प्लैनेट सिग्निफिकेशन ऑफ सन, सूर्य के प्रोफेशन कौन से होते हैं? गवर्नमेंट सर्विस सूर्य का प्रोफेशन है, ब्रोकरेज सूर्य का प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन सूर्य का प्रोफेशन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सूर्य का प्रोफेशन है, टिम्बर ट्रेडर लकड़ी का काम सूर्य का प्रोफेशन है, गैम्बलिंग एट टाइम्स जो कभी कभी जुआ खेलते हैं वो भी सूर्य का प्रोफेशन है, वुलन रिलेटेड ऑल वर्क इंक्लूडिंग फर्नीचर भी सूर्य का काम है, जो भी वुडन है, ये वुडन रिलेटेड है, ये नॉट वुलन, मेटल रिलेटेड कोई भी काम है सूर्य का है, बुलियन डीलर जो सिलियां बेचते हैं वो भी सोने की वो भी इसका काम है, फायर रिलेटेड ऑल प्रोफेशन जितने भी हैं फायर ब्रिगेड में काम होती है वो भी सारे सूर्य के हैं, फायर आर्म डीलर जो आपके वेपन बेचते हैं वो भी सूर्य का काम है, एक्सपर्ट इन वार हेड ट्रेडिंग जो ट्रेनिंग देते हैं वो भी सूर्य का काम है, टॉप मैनेजमेंट भी सूर्य की होती है, सूर्य प्रोफेशन का हेड है, हेड टॉप जो मैनेजमेंट होती है किसी भी संस्था की वो सूर्य की है। रिलीजियस सर्विसेज सपोर्टर जो धर्म के काम में हाथ बटाते हैं वो भी सूर्य का काम है, गोल्ड स्मिथ जो देखिए अब ज्वेलरी और गोल्ड स्मिथ में फ़र्क है, जो सोने का गहना बनाता है वो गोल्ड स्मिथ है, वो सूर्य का है, जो ट्रेडिंग करता है ज्वेलर है वो वीनस का है, ट्रस्टी बैंकर जितने भी हैं वो सूर्य का काम है, पॉलिटिक्स में जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं ये भी सूर्य का काम है, प्रोफेशन ऑफ पावर का जो प्रोफेशन है जहाँ पे शक्ति मिलती है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, मंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे ये सब सूर्य के काम है। प्लैनेट सिग्निफिकेशन ऑफ मून, चंद्रमा के कौन कौन से प्रोफेशन हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा लिक्विड्स में डील करता है, मिल्क में डील करता है, नेवल सेलर जितने भी होते हैं समुद्री जहाज समुद्र में काम करने वाले जितने लोग हैं समुद्री जहाज में काम करने वाले हैं वो सारे चंद्रमा के अंदर आते हैं। डील्स इन गारमेंट्स चंद्रमा के अंदर आते हैं। डील्स इन कैटल फिशेस ये भी चंद्रमा के अंदर आती हैं। डील्स इन राइस ग्रॉसरी शुगर वाटर ये भी चंद्रमा के अंदर आती हैं। डील्स इन परफ्यूम एंड फ्रेगरेंस ये भी चंद्रमा के अंदर आता है। रन्स वर्क इन लॉन्ड्री बिजनेस कुकिंग बिजनेस चंद्रमा के अंदर आता है। डील्स इन म्यूजिक रिलेटेड अफेयर्स चंद्रमा का है। डील्स इन पब्लिक रिलेशनशिपिंग चंद्रमा का है। एडवर्टीजमेंट एक्सपर्ट चंद्रमा के हैं। ट्रेड ऑफ सिल्वर चांदी का भी चंद्रमा का है। आप कन्फ्यूज मत होना, इसमें कुछ ये ब्लेंडिंग है, चंद्रमा के साथ शुक्र की ब्रांडिंग होगी, चंद्रमा के साथ बुध की ब्रांडिंग होगी, चंद्रमा के साथ किसी और चीज़ की ब्रांडिंग होगी, सन की ब्रांडिंग होगी, ये बंदे को ग्रॉसरी में ले जाएगा, ऐसे है। प्रोड्यूसिंग द ट्रेडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स चंद्रमा का है।
मैन्युफैक्चरर ट्रेड ऑफ मैरिन प्रोडक्ट, ये चंद्रमा का है। आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी कन्फ्यूजन में से निकाल दूंगा, पूरी लिस्ट भेजूंगा जो आप देखेंगे, बिल्कुल भी आपने कन्फ्यूज नहीं होना। वर्किंग इन डिफेंस सेक्टर, मंगल वर्दी वाली यूनिफॉर्म वाली कोई भी जॉब हो उसमें कर सकते हैं। आयरन एंड स्टील मेटल जो होती है वो भी चंद्रमा के अंदर आती है। आयरन एंड स्टील आप मत ऐसे मत सोचना, आयरन शनि का भी है और मेटल जो है, मेटल का ओवरऑल कार्क मार्स है। जब स्टील आता है तो सैटर्न मार्स, तो ऐसे जब सैटर्न आ जाएगा तो ये मेटल का कार्क बन जाए, आयरन का कार्क हो जाएगा, स्टील का कार्क बन जाएगा। डीजल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, मंगल ओवरऑल इंजीनियरिंग का कार्क है, फाउंड्री का कार्क है, हाईली स्पेशलाइज्ड सर्जन मंगल का है। वर्किंग इन क्राइम एंड स्पाइंग वर्क, देखिए चाहे आप पुलिस में हैं, चाहे हम क्राइम करने वाले हैं, चाहे क्राइम को बचाने वाले हैं, मंगल का काम है, स्पाइंग मंगल की है। डीलिंग इन गैस रिलेटेड एजेंसीज, गैस के साथ संबंध जो है वो इंडस्ट्री का है, जहाँ पे गैस कंज्यूम होती है मंगल का है। डॉक्टर डेंटिस्ट मंगल के हैं। अब मंगल, सूर्य भी डेंटिस्ट, सूर्य भी डॉक्टर था, ये भी डॉक्टर था। सूर्य फिजिशियन है, मंगल सर्जन है, डेंटल सर्जन भी मंगल है। केमिस्ट और मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन, ये भी मंगल का काम है। अब केमिस्ट और मैन्युफैक्चरर, ये मंगल का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, अकेला मंगल केमिस्ट नहीं बनता। लॉ रिलेटेड ऑल काइंड्स ऑफ प्रोफेशन, अब यहाँ पर ला सैटर्न की है, मार्स साथ में आ गया, बुध की है ला, मार्स साथ में आ गया, जुपिटर की है ला, मार्स साथ में आ गया। जो मार्स आएगा, मार्स वाला जो प्रोफेशन होगा, ला का जो होगा वो क्रिमिनल लायर बन जाएगा। लॉगिशियन रन्स ए ओन अकेडमी, जो अपनी अकेडमी चलाता है वो। साइंटिस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटर रिलेटेड प्रोफेशन, अब ये मंगल के साथ बुध का रिलेशन है, तभी बनेगा अकाउंटिंग, नहीं तो आ नहीं सकती। वर्किंग एंड रनिंग ब्रेथल हाउस, और ये तभी आएगा जब इसका रिलेशन जो है केतु के साथ होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। वर्किंग इन पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है बिल्कुल। डीलर इन लैंड एंड प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक। प्लैनेट सिग्निफिकेशन मरकरी प्रोफेशन, और मरकरी के प्रोफेशन क्या होंगे, ट्रेडिंग तो सीधा सीधा प्रोफेशन है, पब्लिशर भी सीधा सीधा प्रोफेशन बुध का है, पब्लिशिंग जितनी होती है, एडिटिंग जितनी होती है, टाइपिंग जितनी होती है, सब बुध है। सुपर ओरेटर, जितने वक्ता, अच्छे अच्छे वक्ता हैं, सब बुध के हैं। मैथमेटिशियन बुध के हैं। ऑथर ऑफ द बुक्स, किताबें लिखने वाले, ट्रेडिंग ऑफ द बुक्स, जर्नल लिखने वाले, जर्नलिस्ट एजुकेशनिस्ट बुध के हैं। जितने आपके पास जर्नलिस्ट बनते हैं, अखबारों के जर्नलिस्ट, ये सब बुध के हैं। आर्टिस्ट स्कल्प्टर मेडिकल एक्सपर्ट, अब आर्टिस्ट जो है इसके बुध के साथ शुक्र मिलेगा तो आर्टिस्ट बनेगा। एडवोकेट, जब बुध के साथ बृहस्पति मिल गया, बुध खुद भी, बस यदि बुध बनेगा तो ये टैक्स का ऑडिट एडवोकेट बनाएगा, जब इसके साथ सैटर्न मिल जाएगा तो जनरल एडवोकेट बन जाएगा, मार्स मिलेगा तो ये क्रिमिनल एडवोकेट बन जाएगा, और अकेला रह जाएगा, CA बनेगा, ऑडिटर बन जाएगा। लॉ रिलेटेड काम जितने भी हैं, किताबें लिखनी लॉ की, बुध की है। प्रिंटर बुध का डायरेक्ट काम है, ट्रांसलेटर बुध का डायरेक्ट काम है, यार्ड ट्रेडर, टेक्सटाइल डीलर, ये बुध की है, जब इसके साथ शुक्र आएगा तो टेक्सटाइल आएगी, ठीक है। यार्ड सेलर, ट्रैवलिंग, रिसर्च जॉब, जब इसका संबंध आठवें घर से आ जाएगा तो रिसर्च जॉब में आ जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सातवें घर में आ जाएगा तो, सातवें घर से आ जाएगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बन जाएगा। क्लोथ मर्चेंट, जब इसका चंद्रमा शुक्र के साथ संबंध हो जाएगा, क्लोथ मर्चेंट बन जाएगा। स्टूवर्ड इन एयर, जब ये बारहवें घर से इसका संबंध हो जाएगा, नौवें घर से संबंध हो जाएगा तो ये ट्रैवल में वेटर का काम कर सकता है, करवा सकता है। एक्सपर्ट इन प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, कम्युनिकेशन की सर्विस में सबसे बढ़िया है, इसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, इसलिए हर सर्विस में ये कम्युनिकेशन ऐड कर देता है। सुपर इन डीलिंग विद फॉरेन प्रोडक्ट्स, विदेशों के साथ जो कोई काम करना हो, विदेशी भाषा बोलनी हो, विदेशों के प्रोडक्ट बोलने हो, बुध उसका कार्क बनता है। एक्सपर्ट इन बर्ड ट्रेनिंग एंड एनिमल कैचर, जो
बर्ड ट्रेडिंग करते हैं, पक्षी बेचते हैं या पक्षी जानवरों को पकड़ते हैं, उनका कर्क भी बुध है। इसी तरह बृहस्पति है, बृहस्पति के प्रोफेशन है, जो बृहस्पति साधु है, बृहस्पति गुरु है, बृहस्पति देव है। साधु जैसे हैं, पिता जैसे हैं, पति जैसे हैं, प्रीस्ट मिनिस्टर भी बृहस्पति के पास होते हैं, फाइनेंस भी बृहस्पति का है, एडवाइजर भी बृहस्पति वाले लगते हैं जिनका बृहस्पति स्ट्रांग होता है, बैंकर का भी काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं बृहस्पति जिनका सूर्य भी अच्छा होता है, रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्टर होते हैं जिनका शुक्र भी अच्छा होता है, स्पिरिचुअल टीचर होते हैं बृहस्पति, कंट्रोलर ऑफ ट्रेजरी होते हैं जिनका बुध अच्छा होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं जिनको प्रीचिंग आती है, मैथमेटिशियन होते हैं, फिजिशियन होते हैं, डीलर इन गोल्ड होते हैं, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज वाले डीलर होते हैं, डीलर इन हाई वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं। प्लैनेट सिग्निफिकेशन वीनस प्रोफेशन, जब शुक्र के जो प्रोफेशन होते हैं डीलिंग इन प्रीशियस स्टोन्स जेम्स एंड ज्वेलरी, डील्स इन डायमंड एंड प्रीशियस स्टोन स्टडीड ज्वेलरी मेकर्स, डीलर्स ऑफ इतर परफ्यूम एंड सेंटेड आइटम्स, ये डायरेक्ट प्रोफेशन है इनके। कल्टीवेटर सेलर ऑफ फ्लावर्स, डील्स इन मिल्क एंड अदर डेयरी, जब चंद्रमा के साथ मिलता है, चंद्रमा के साथ होके तो मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट बेचते हैं। एमिनेंट सिंगर, पेंटर एंड फिल्म मेकर, शुक्र बड़े अक्सर बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं और फिल्म में काम करने वाले भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं, आर्टिस्ट टैलेंट ऑफ हाई ऑर्डर। डील्स इन स्वैंकी कार्स, म्यूजिशियन एंड डांसिंग रिलेटेड एक्ट्स, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर ऑफ गारमेंट्स, गारमेंट्स शुक्र का काम है, फैशन डिजाइनर बहुत अच्छे होते हैं, जब ये चंद्रमा के साथ इनका नाम मिलता है तो फैशन डिजाइनर बड़े अच्छे बनते हैं, शेफ ऑफ हाई ऑर्डर, शुक्र बड़े अच्छे शेफ बनाता है, लीको डीलर, शेफ कब बनते हैं जब मंगल के साथ साथ बनता है, शुक्र मंगल का साथ हो तो शेफ बनता है, लिकोर डीलर, जब शुक्र के साथ शनि का काम हो तो लिकोर डीलर बनते हैं, होटलियर होते हैं, होटल बनाने वाले होते हैं, होटल चलाने वाले होते हैं, शुक्र जिनका स्ट्रांग होता है प्रोफेशन का कार्य बनता है, नेवल ऑफिसर होते हैं जिनका शुक्र चंद्रमा के साथ रिलेटेड होता है। ये सैटर्न के प्रोफेशन है, स्टेट्समैन ऑफ डेमोक्रेटिक पर्पस, डील्स इन आयरन इंगोट कॉपर, डील्स इन ग्रेन्स, डील्स इन फुटवियर लेदर आर्टिकल्स, डील्स इन कोबल सैनिटरी आइटम्स सैनिटरी अथॉरिटी, डील्स इन पब्लिक यूटिलिटी आइटम्स, डील्स इन ग्रेनाइट स्टोन बाय एंड सेल, एग्रीकल्चर लैंड एंड कल्टीवेशन, डील्स इन पेट्रोल केरोसिन एंड अदर काइंड ऑफ ऑयल्स, एक्सेप्ट एडिबल ऑयल इनके नहीं होते क्योंकि वो ज़मीन से नहीं निकलते हैं। सर्जन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन भी होते हैं, शेफ ऑफ प्रिजन, शेफ ऑफ ऑर्फेनेज, चीफ ऑफ प्रिजन, चीफ ऑफ ऑर्फेनेज जेल के अधिकारी होते हैं और जहाँ पे अनाथ आश्रम होता है उसके भी अधिकारी होते हैं। हेड ऑफ वर्क डन बाई सेमी स्किल्ड लेबर्स, जैसे सुपरवाइजर का काम होता है जहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। डिगिंग एक्सपर्ट ऑफ वेल फॉर वाटर, पानी खोदने का कुआं खोदने के ये पूरे एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट ऑफ ऑयल रिग्स टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल की डिगिंग जहाँ होती है, तेल निकालने वाली कुएं होते हैं वहाँ के एक्सपर्ट होते हैं। डाई प्लांट के एक्सपर्ट होते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के भी एक्सपर्ट होते हैं। राहु के जो प्रोफेशन होते हैं, ये चीफ वार्डन प्रिजन, ये जेल के जो चीफ वार्डन होते हैं वो, मैजिशियन भी राहु में आते हैं, चार्मर फॉर ब्लैक मैजिक वो भी जो काला जादू करते हैं वो भी इसी में आते हैं, नेविगेटर फॉर एरियल सर्वे, जो एरियल सर्वे होता है उसके नेविगेशन जो करते हैं तो उसमें भी ये राहु काम आता है, श्यूड पॉलिटिशियन राहु होते हैं जो बड़े खतरनाक पॉलिटिशियन होते हैं, अपना मन की बात नहीं बताते किसी को, राहु के अंडर आते हैं। एक्सपर्ट ऑफ मेटाफिजिक्स एंड अकल्ट अफेयर्स,
जितने भी एकार्ड साइंसी हैं इसके भी एक्सपर्ट हैं, स्नेक कैचर सांप पकड़ने वाले जो सुपेरे होते हैं वो भी राहु के अंडर आते हैं, बिनोम एक्सट्रैक्टर एक्सपर्ट, ड्रगिस्ट एक्सपर्ट ऑफ एनस्थीजिया जो डॉक्टर MBBS के बाद एनस्थीजिया स्पेशलिस्ट बनते हैं वो भी राहु होते हैं, हंटर शिकारी भी राहु होते हैं, एक्सपर्ट ऑफ मेकिंग काउंटर फीट ऑफ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स ये इसके कारीगर होते हैं पूरे, पायलटिंग वार एयरक्राफ्ट वो उसके भी कारक होते हैं, सुपर एक्सपर्ट इन फॉरेन लैंग्वेज के अच्छे ज्ञाता होते हैं। अब लास्ट में आता है केतु की बारी, साइकिक हीलर जो आपको जादू टोना से हील करते हैं वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं केतु के अंदर आते हैं, स्पिरिचुअल प्रीचर वो भी केतु के अंदर आते हैं जब बृहस्पति के साथ मिलते हैं, हॉर्स डीलर केतु के अंदर आते हैं, ट्रांसपोर्टर जब सूर्य के साथ आता है तो केतु तो ट्रांसपोर्टर बना देता है, स्मगलिंग के एक्सपर्ट होते हैं केतु, इम्पोर्ट केतु देता है, स्पिरिचुअल डिस्क्लोजर डिस्कोर्स एक्सपर्ट स्पिरिचुअल डिस्कोर्स एक्सपर्ट केतु कराता है जो हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो है वो भी यही देता है, मैजिशियन भी यही बनाता है, एस्ट्रोलॉजर भी यही बनाता है, आर्टिस्टिक टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्लेसेस ये देता है, लिटरेरी जीनियस ऑफ सीक्रेट टेक्स्ट का हमें अध्यात्म गुरु बनाता है, एक्सपर्ट इन फॉरेन लैंग्वेज, एक्सपर्ट इन प्लॉटिंग एंड सॉल्विंग स्कैंडल्स, सर्जन्स स्किन ग्राफ्टिंग के जो सर्जन होते हैं वो भी केतु करता है, वाइन टेकर भी केतु ही बनाता है। तो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशंस, सन मून मिलके क्या बनाते हैं, स्कल्प्टर मैकेनिक गवर्नमेंट सर्विस, सन प्लस मरकरी मैथमेटिशियन एस्ट्रोलॉजर लायर अकाउंटेंट इंजीनियर मर्केंटाइल एक्टिविटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सन जुपिटर वर्किंग फॉर अदर्स टीचर जजेस बैंकर फिजिशियन रिलीजियस स्पिरिचुअल हेड, सन प्लस वीनस डाइंग केमिकल्स ट्रांसपोर्टर वुमेन्स हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर हाईटेक, सन प्लस मार्स पुलिस डिपार्टमेंट मिलिट्री ऑपरेशन फैक्ट्री ऑपरेशन सर्जन, सन प्लस सैटर्न मेटल एक्सपर्ट्स जियोजोलॉजिस्ट कोल माइंस एक्सपर्ट डेंटिस्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सपर्ट, मून प्लस मार्स सेल ऑफ ड्रिंक पॉट वर्क इन नेवी स्टीम इंजीनियरिंग, मून प्लस मरकरी एजेंसी इंजीनियरिंग कॉटन ट्रेडर टेक्सटाइल एक्सपर्ट, गुड ऑरेटर एस्ट्रोलॉजर सिनेमा रिलेटेड जॉब्स। अब सन प्लस मून, इसके बाद आ गया मार्स प्लस जुपिटर ऑफ हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लायर जुडिशरी बैंकर फिजिशियन हाई रैंकिंग मिलिट्री और पुलिस पर्सनल्स, मार्स प्लस वीनस एथलीट गैम्बलर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डीलर टेलर लेदर ट्रेडर ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स, मार्स प्लस सैटर्न इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री ओनर हार्डवेयर डीलर टेक्नोक्रेट स्टील ट्रेडर ऑटोमोबाइल ड्राइवर एंड टेक्नीशियन, मर्करी प्लस जुपिटर एक्सपोनेंट ऑफ डांसिंग मैथमेटिशियन इंजीनियर बैंकर ट्रेजरी हेड जर्नलिस्ट स्पिरिचुअल हेड मिनिस्टर फाइनेंस री इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स, मर्करी प्लस वीनस ओरेटर पॉलिटिकल मूवीज लिटरेरी पर्सन फिल्म रिलेटेड वर्क स्क्रिप्ट राइटर एक्टर फोटोग्राफर आर्टिस्ट पोएट म्यूजिशियन म्यूजिक रिलेटेड वर्क्स। मर्करी प्लस सैटर्न प्लॉटिंग एक्सपर्ट इंजीनियरिंग टीचर ब्रोकरिंग पोस्टल सर्विसेज कार्टूनिस्ट एंड ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट। मर्करी प्लस राहु एम्प्लॉयमेंट इन प्रिजन रेडियो स्टेशन टेक्नीशियन ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। मर्करी प्लस केतु
पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मैटरनल अंकल, ट्रेडिंग इन कॉन्फिस्केटेड गुड्स जो पकड़ी जाती हैं, कस्टम वाले पकड़ लेते हैं, इन्वॉल्विंग इन स्मगलिंग, बुध और केतु का कम्बिनेशन अच्छा नहीं है। तो लास्ट में है जुपिटर प्लस वीनस, ये एजुकेशन देने वाला टीचर बनाता है, एजुकेशनिस्ट जो स्कूल बनाते हैं वो हो सकते हैं, स्कूल के मालिक हो सकते हैं, कॉलेज के मालिक हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के मालिक हो सकते हैं, रिलीजियस लोग हो सकते हैं, एक्सपोनेंट हो सकते हैं, म्यूजिशियन एक्सपर्ट हो सकते हैं, सीने एक्टर हो सकते हैं। जब इनकी इनका कम्बिनेशन जुपिटर वीनस का राहु के साथ और शुक्र के साथ सूर्य के साथ बन जाता है तो ये सीने एक्टर बन जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग होते हैं, पोएट भी हो सकते हैं। जुपिटर प्लस सैटर्न, नाई का काम, बार्बर, पॉटर, कुक, फिजिशियन, ब्रोकर, बैंक जॉब, अकल्टिज्म, हिप्नोटिज्म, ऐसे काम करने वाले लोग होते हैं। वीनस प्लस सैटर्न, टेलर, लेदर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मार्स प्लस राहु, स्पेस ट्रैवलिंग, स्पेस साइंस के एक्सपर्ट होते हैं। वीनस प्लस राहु रेडियो आर्टिस्ट होते हैं। सैटर्न प्लस राहु सर्कस में काम करने वाले लोग हो सकते हैं। अब बारी है आपको बताने की कि जो प्रोफेशन है ये क्या होता है, किसको कहते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है जिससे आप अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और जो आपके परिवार को पालता है, जो काम से पैसा मिलता है, जिससे अपने बच्चों का खर्चा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, माता पिता की दवाई बूटी करते हैं, अपना खर्चा करते हैं, घर बनाने के लिए पैसा जमा करते हैं, शादी के लिए पैसा जमा करते हैं, वो आप कोई काम करके करते हैं। जो काम आप करके अपनी डे टू डे लाइफ को आगे बढ़ाते हैं वो आपका प्रोफेशन जाना जाता है। वो प्रोफेशन आप डेस्टिनेट होते हैं, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन पता चल जाता है कि ये बच्चा करेगा क्या। मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा कि आप जल्दी ही विद इन अप्रैल बता पाओगे कि इसका प्रोफेशन क्या हो सकता है, क्या ये जॉब करेगा, क्या ये किसी अपना कारोबार करेगा, करेगा तो कैसा करेगा, कहाँ तक जाएगा, इसके बारे में आपको बता सकता हूँ, आपको इस काबिल बना दूँगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मैं कुछ नोट्स आपके डालूँगा जिनको आपको अगली बार पढ़ के आना है, उसके बाद ही आपका ये सारा सही होगा। आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक हाउ टू डेलिनेट प्रोफेशन का पहला भाग आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा भाग भी अगले हफ्ते आने वाला है, तब तक आप इसको बार बार सुनिए ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, बार बार रिपीट कीजिए, वीडियो को पहले से लेके अंत तक देखिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।